सब्जेक्टिव शीट नंबर 73 में रियल और अपेरेंट डेप्थ के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 की बजाय क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन है प्रिंटेड पेज इज केप्ट प्रेस्ड बाय अ ग्लास क्यूब। तो एक ग्लास क्यूब है, इसके नीचे किसी ने प्रिंटेड पेज रख दिया जहां पर अक्षर छपे हुए थे, ऐसे ये अक्षर है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने है 1.5, एज कितनी है इसकी 6 सेंटीमीटर। By what amount will the printed letters appear to be shifted? तो अगर ये लेटर है तो ये लेटर आपको यहां नजर आएगा, तो कितना शिफ्ट नजर आ रहा है अगर इसको टॉप से देखा जाए, यहां से देखा जाए, तो क्या पूछ रहा है एक तरीके से आपसे, नॉर्मल शिफ्ट। तो नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या करवाया था, थिकनेस 1 - 1 / μ, थिकनेस 6 सेंटीमीटर है, म्यू की वैल्यू 1.5 है, इतने सेंटीमीटर आंसर आएगा, दिस इज द वैल्यू फॉर नॉर्मल शिफ्ट आंसर। क्वेश्चन क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन नंबर 3, ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन अ मार्क मेड ऑन द पेपर। तो ये रहा पेपर, इसके ऊपर लगा हुआ एक मार्क, तो माइक्रोस्कोप से इसको फोकस किया गया, देखा गया कि कैसे दिख रहा है ये। व्हेन अ स्लैब ऑफ, इसके ऊपर एक स्लैब रख दी, कितनी 1.47 सेंटीमीटर की स्लैब रख दी, ये रही स्लैब रख दी, placed on the mark, the microscope has to be raised through 0.49 centimeter to focus the mark. वो कह रहा है जी उसको microscope को दिखाई नहीं है point, क्यों नहीं दिखा, बीच में glass slab है, glass slab की वजह से ये mark यहाँ पे आ गया, तो microscope को, पहले microscope जहाँ भी था, microscope को ऊपर जाना पड़ा by a distance of कितना 0.49 centimeter, इसका मतलब कि ये मार्क भी ऊपर कितना उठ गया होगा 0.49 सेंटीमीटर, तभी उसको मिला नहीं और उसको 0.49 सेंटीमीटर ऊपर जाना पड़ा, इसका मतलब शिफ्ट हो चुका है वो पॉइंट, और ये कौन सी शिफ्ट गिवन है आपको, नॉर्मल शिफ्ट। तो इस केस में नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू गिवन है 0.49 सेंटीमीटर, आपको डेप्थ पता है, टी की वैल्यू पता है, थिकनेस पता है, ये रही ग्लास स्लैब की, आपको इसमें क्या निकालना है, म्यू निकालना है, अब फॉर्मूला पता है, नॉर्मल शिफ्ट जो होती है टी इंटू 1 - 1 / μ, नॉर्मल शिफ्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.49, टी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 1.47, निकाल लेना म्यू आ जाएगा आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये फॉर्मूला कैसे काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ट्रांसपेरेंट मीडियम इज गिवन। तो क्या गिवन है, वी, वैक्यूम के अंदर क्या गिवन है, सी, साफ पता लग रहा है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सी अपॉन वी से क्या निकालना पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा म्यू, तो म्यू निकालना पड़ेगा। बाय हाउ मच वुड द बॉटम ऑफ द वेसल कंटेनिंग लिक्विड अपीयर्स टू बी रेज्ड, तो फिर से क्या निकालना है, नॉर्मल शिफ्ट, appear to be raised, normal shift, normal shift is t 1 - 1 / μ, अब वो कह रहा है कि depth of the liquid 0.25 है, तो यानी कि 0.25 meter है, 1 - μ आप यहां से निकाल के put कर दें answer, तो इतना point ऊपर shift होके नजर आएगा, ये भी clear है यहां तक, ठीक।
ठीक हो गया। नेक्स्ट है, एक ना रिजल्ट समझ लो करने से पहले आगे। अब कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें यह बताया जाता है कि ग्लास स्लैब है, ये मार्क है ना, ये मार्क है, ये मार्क और ये थिकनेस है, टी थिकनेस है और म्यू आपको गिवन होगा। आपसे पूछा जाएगा कि ये मार्क कितना ऊपर नजर आएगा, आप कहोगे ठीक है जी नॉर्मल शिफ्ट लगा लेते हैं और नॉर्मल शिफ्ट के हिसाब से आंसर इज टी, 1 - 1/μ, आंसर डन। अब एक स्टूडेंट आया पूछता कि सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि आप इसको यहां से देख रहे हो, क्योंकि आप इसको यहां से देख रहे हो तभी तो आपको डेप्थ टी नजर आ रही है, इसकी रियल डेप्थ टी ले रहे हो आप, पर मैं तो उसको यहां से मेरी तो आई यहां पर है तो मैं तो डिस्टेंस ये लूंगा दिस प्लस टी, तो इसका क्या करूं डिस्टेंस का, पॉइंट है ना। अगर वो देख ही ऊपर से रहा है, अब ग्लास स्लैब के अंदर ये तो ना ग्लास में ऐसे करके देखोगे यार, आप ऑब्वियसली यार थोड़ा ऊपर से देखोगे ग्लास स्लैब के अंदर ऑब्जेक्ट, तो वो डिस्टेंस का क्या कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं आई यहां रखूं यहां रखूं यहां रखूं यहां रखूं कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि अगर मैं एयर के अंदर नॉर्मल शिफ्ट निकालूं तो फॉर्मूला क्या लगेगा, जो भी आपकी थिकनेस टी डैश है ले लो टी डैश, 1 - 1/μ, एयर का तो खुद का म्यू 1 है तो 1 में से 1, एयर का कोई इफेक्ट नहीं है नॉर्मल शिफ्ट पे, तो इसलिए आप जहां से मर्जी देख लो कोई फर्क ना पड़ता, इसलिए इसकी रियल डेप्थ क्या ली जाती है, सिर्फ टी, क्योंकि टी डैश से कोई शिफ्ट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, उसको लेना ही नहीं है। समझ में आ रहा है यहां तक? पहला रिजल्ट क्लियर है। दूसरा रिजल्ट एक और सुन लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा रिजल्ट है कि अगर आपके पास मान लो 2 ग्लास स्लैब्स हैं, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है, थिकनेस टी 1 है, इसके नीचे म्यू 2 है, थिकनेस टी 2 है और ये मार्क है, तो अगर आप यहां से देखते हो तो ये मार्क आपको एम डैश ऊपर नजर आएगा। क्वेश्चन है फाइंड नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी, ये निकाल दो। तो नॉर्मल शिफ्ट में ये जो स्लैब है ऊपर वाली, इसने नॉर्मल शिफ्ट कितनी जनरेट की, 1 - 1/μ1, ये फॉर्मूला इसके ऊपर लगेगा, और नीचे वाली ने क्या जनरेट की, इतनी जनरेट की। कई लोग ये सोचते हैं, जब पहली बार मैंने भी किया तो शायद मैंने ऐसे सोचा होगा कि अलग अलग थोड़ा ना करूंगा, मैं ऐसे कर लूंगा, नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू आपके माइंड में घर जाके आएगा अगर पढ़ेंगे, टोटल जो रियल डेप्थ है वो T1 थोड़ा लूंगा, वो तो T1 + T2 लूंगा, ठीक है, 1 - 1/μ लूंगा। अब म्यू क्या, एक काम करता हूं, ये मीडियम 2 में पड़ा हुआ है और बाहर मीडियम क्या है, 1। कई लोग ऐसे लगाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल भी नहीं लगाना, नहीं आंसर आएगा, अलग अलग ही लगाना है। आपने ये मानना है कि अगर आपने ग्लास स्लैब 1 को रखा, उसने कितना शिफ्ट प्रोड्यूस किया, इतना, फिर उसको हटा दो, इंडिपेंडेंट है ये सारा। फिर ग्लास स्लैब 2 रखो, उसने कितना शिफ्ट प्रोड्यूस किया, इतना, दोनों को ऐड कर दो, चाहे 3 मीडियम हो चाहे 4 हो चाहे जितने मर्जी हो, कोई फर्क नहीं। इवन ये भी सुन लो, अगर मान लो ऑब्जेक्ट जमीन पे पड़ा हुआ है, ग्लास स्लैब रास्ते में रख दी, उसके ऊपर नहीं यहां पे रख दी, ऑफ थिकनेस टी, तो भी वो ऑब्जेक्ट ग्लास स्लैब से ऊपर नजर आएगा आपको, तो फॉर्मूला वही रहेगा T - 1 - 1/μ। लोकेशन ऑफ ग्लास स्लैब भी मैटर नहीं करती। समझ में आ रहा है यहां तक? इंडिपेंडेंट रहेगा, पहले फर्स्ट फिर सेकेंड, डन, एड करना है, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन है ये, तो वो कह रहे हैं कैलकुलेट इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, नहीं ये नहीं, ये नहीं करना अभी, ये नहीं करना, हाँ ये करना है। अ वेसल कंटेन्स वाटर, तो एक वेसल है, उसमें सबसे पहले क्या है, वाटर है, वाटर टू अ हाइट ऑफ, कितनी हाइट है इसकी, 20 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर ऑयल है, ये रहा ऑयल, इसकी हाइट भी कितनी है, 20 सेंटीमीटर की। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.33 और ऑयल का कितना गिवन है, ऑयल का गिवन है 1.30। फाइंड एपरेंट डेप्थ ऑफ द वेसल व्यूड फ्रॉम अबव, तो आप एपरेंट डेप्थ बतानी है, तो अगर ये मार्क यहां पे है तो ये मार्क आपको यहां नजर आएगा, तो ये कितना ऊपर नजर आया ये कैलकुलेट करके बताओ, यानी कि नॉर्मल शिफ्ट कैलकुलेट करके बताओ। तो ये क्या है, नॉर्मल शिफ्ट, तो मैंने आपको क्या सिखाया कि नॉर्मल ठीक, नॉर्मल शिफ्ट की जो वैल्यू है अलग अलग लेनी है, पहले ऑयल की लेनी है
वन माइनस वन म्यू ऑफ ऑयल प्लस 20 इंटू वन माइनस म्यू ऑफ वाटर, ऐसे लेनी है, एक बार ऑयल एक बार वाटर, तो ऐड कर देना है। ऐड करके आप क्या निकाल पाएंगे, ऐड करके ये डिस्टेंस तो आ ही जाएगा, आ गया। आपसे ये तो ना पूछा कि शिफ्ट कितने, आपसे पूछा एपरेंट डेप्थ कितनी है। अब आपको कॉइन कहाँ नजर आएगा, आपको यहां नजर आएगा, ये डिस्टेंस निकालना है आपको, ये डिस्टेंस। तो कैसे निकलेगा, नॉर्मल शिफ्ट आ गई, टोटल डेप्थ कितनी है 40, और ये डेप्थ क्या होगी 40 में से नॉर्मल शिफ्ट को क्या करना पड़ेगा माइनस, तो ये कौन सी डेप्थ आएगी, एपरेंट डेप्थ आंसर। तो पहले क्या निकलेगा, नॉर्मल शिफ्ट, दोनों को इंडिपेंडेंट ऐड करके, फिर 40 में से नॉर्मल शिफ्ट को माइनस करके बचा हुआ डिस्टेंस एपरेंट डेप्थ होगी। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें, देखो ये वाटर है, ये ऑयल है, 20-20 सेंटीमीटर पे है, कोई मार्क है नीचे, अगर आप ऊपर से देखते हैं मार्क आपको कितना ऊपर नजर आएगा, वो नॉर्मल शिफ्ट है। नॉर्मल शिफ्ट ऑयल की वजह से अलग निकलेगी, ग्लास की वजह से अलग निकलेगी, निकल गई, आंसर आ गया, नॉर्मल शिफ्ट आ गया। पर मैंने आपसे नॉर्मल शिफ्ट नहीं पूछा, मैंने कहा कि यहां से अब मेरे को ये नजर कहां आएगा, यहां नजर आएगा, तो जब यहां नजर आएगा, यहां नजर आएगा, तो ये डिस्टेंस को एपरेंट डेप्थ बोलते हैं। क्या होगा, रियल डेप्थ में से नॉर्मल शिफ्ट को क्या कर देना है, माइनस, आंसर। ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। इसके बेस पे एक और शीट आपको दी हुई है, शीट नंबर 74A में रियल और अपरेंट डेप्थ के ही न्यूमेरिकल्स हैं, आपने होमवर्क करके लाना, ये नेक्स्ट टाइम इसके डाउट्स होने हैं 74A के। जैसे पहला क्वेश्चन है वो मैं कर दूंगा, पहले क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है, देखो एक चीज याद रखना, इसमें ना उल्टे सीधे एंगल बहुत गिवन है, 50 डिग्री 40 डिग्री ये ना होते सॉल्व, 50 साइन 50 क्या है मुझे खुद नहीं पता क्या है, फिर भी किताब डालती है, डालने दो, आपको एंगल बढ़िया ही आएंगे, 45 डिग्री 30 डिग्री ही आएंगे। तो आप प्लीज न्यूमेरिकल वैल्यू पे मत जाना, सिर्फ मेथड पे जाना। तो क्वेश्चन है, एक ग्लास स्लैब को ना पानी के नीचे रख दिया, रे ऑफ लाइट आई 50 डिग्री पे, रिफ्रैक्शन हुई आर, फिर ग्लास स्लैब के अंदर फिर से रिफ्रैक्शन हुई, तो अगर ये आर है तो ये भी आर, ये आर डैश है, आपको आर डैश बताना है क्या है, आपको पानी का और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, तो स्नेल्स लॉ लगाना सिखा रहा है। तो पहला लॉ क्या लगेगा यहां पे, कैसे, म्यू एयर जो कि वन होता है, तो इसमें ऐसे लगेगा म्यू ऑफ एयर जो कि वन है, म्यू एयर इन टू साइन ऑफ 50 इज इक्वल टू म्यू वॉटर, ये वॉटर है, इन टू साइन ऑफ आर, म्यू वाटर पता है, ये पता है, ये पता है, ये वन है, यहां से सॉल्व करके साइन आर से किसकी वैल्यू आ जाएगी, आर की, या साइन आर के की बात है, तो साइन आर की वैल्यू निकाल के रख लेना यहां पे, ठीक है, साइन आर आ गया। अब स्नेल लॉ यहां लगेगा, यहां पे क्या लगेगा, म्यू वाटर इन टू साइन आर इज म्यू ग्लास इन टू साइन आर डैश, तो ऑब्वियसली ये आप यहां से पुट कर देना, वाटर और ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता है, सॉल्व करके क्या आएगा साइन ऑफ आर डैश, तो साइन ऑफ आर डैश से क्या आएगा आर डैश, मतलब टिपिकल स्नेल लॉ दो बार लगेगा, हिंट दे रहा हूं कि ऐसे करना है, ठीक है यहां तक। ठीक है, इसके बेस पे जैसे
ये होमवर्क है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये सब होमवर्क है, ये किया हुआ है अभी ऊपर के क्वेश्चन की, ये देख लो। बॉटम ऑफ द कंटेनर इज 4 सेंटीमीटर थिक ग्लास, सबसे नीचे कौन है, ग्लास है। फिर कंटेनर के ऊपर दो लिक्विड्स भी हैं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर पे, जिनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है। आपको ये बताना है कि अगर एक स्क्रैच है बिल्कुल ग्लास के नीचे लगा, वो स्क्रैच आपको कितना ऊपर नजर आएगा। तो इसमें कितने मीडियम है, तीन, पहला कौन, ग्लास, दूसरा फर्स्ट ऑयल, सेकेंड ऑयल, तीनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है। तो नॉर्मल शिफ्ट निकालने का क्या तरीका बताया था, पहला नॉर्मल शिफ्ट अलग, दूसरा अलग, तीसरा अलग, तीनों को ऐड कर देना आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, तो ये असाइनमेंट नॉर्मल शिफ्ट के ऊपर है, तो ये होमवर्क क्लियर है आपको क्या करना है।